वेलकम गाइस, मैं मनीष पांचाल हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, इसी चैनल में हम आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों भी बनाते हैं। तो गाइस, हम आज ड्राइंग नहीं करेंगे, तो आज हम सिर्फ मॉडल बनाएंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो आज का वीडियो कुछ काफ़ी मस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे गाइस। तो मैं आज के वीडियो में थर्मोकॉल से एक्टिवा 5G स्कूटी बनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से मैंने अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस मॉडल बनाए हैं वो सभी वेस्ट प्रोडक्ट से ही बने हैं, जो आपके घर में कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। जिस तरह से आपको फ्रिज या टीवी के नीचे जो थर्मोकॉल आता है गाइस, उसी से हम बनाएंगे और उसी का यूज़ करेंगे हम। तो गाइस, इसी तरह से मैंने पिछले 2-3 वीडियो भी मैंने इसी वेस्ट प्रोडक्ट से ही बनाए थे, आप एक बार वो देख लीजिए गाइस। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं गाइस, उसमें मैंने कई नए नए ट्रिक्स बताई है आपको। उसी ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी तरह से ड्रॉ और जो है मॉडल बनाना सीख लोगे जल्दी से जल्दी गाइस। तो इसी तरह से मैं नए नए ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूंगा गाइस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगे गाइस। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो आपको कुछ ड्रॉ करने में या क्राफ्ट बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो और मुझे आप पर्सनली भी बता सकते हो गाइस। इसी वीडियो में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो गाइस इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखोगे तो उसमें आपको वो नंबर भी मिल जाएगा। और आज का वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा गाइस किस तरह से मैंने ये बनाया है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइज, तो चलो बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, उससे पहले आपको कुछ पेपर के ऊपर कुछ स्कूटी की जो आउटलाइन है इस तरह से बना लेनी है। जिस साइज़ की आपको बना लेनी है उसी साइज़ का आउटलाइन बना लीजिए। उसके बाद गाइज, सीजर की मदद से अच्छी तरह से कट कर लीजिए। सो गाइज, ये अभी अच्छी तरह से कट हो चुका है। अब हमें कुछ इन्हीं मटेरियल का यूज़ करना है गाइज। ये कटर, सीजर और दो टाइप्स के जो सैंड पेपर रहते हैं वो है गाइज, एक हार्ड रहता है और एक सॉफ्ट वाला रहता है, और ग्लू, इन्हीं की मदद हमें अभी लगने वाली है गाइज। तो गाइज, हम अभी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम गाइज पिछले वाला जो हिस्सा है गाड़ी का उसे बनाएंगे। उसे पहले जो सीजर की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेंगे, बाद में उसे थर्मोकॉल के ऊपर रख के आउटलाइन बना लेंगे गाइस। कुछ इस तरह से बना लेनी है आपको आउटलाइन। सो गाइस, तो ये अभी कट हो चुका है। अब मैं कटर की मदद से इसे अच्छी तरह से कट कर लूंगा। उसके बाद गाइज, हम जो पिछले वाला जो गाड़ी का हिस्सा है वो ड्रॉ करेंगे। देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और
सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरह से इसे फिनिशिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गाइज मैं किस तरह से कर रहा हूँ। सो गाइज तो अभी थोड़ी बहुत फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम जो पिछले वाला जो मेटल वाला जो बॉडी है उसे पहले कट कर लेंगे और उसका जो शेप है वो बना लेंगे। कुछ इस तरह से कट कर लीजिए गाइज और उसके ऊपर इस तरह से रखिए और उसके आउटलाइन बना लीजिए। और देखो मैं किस तरह से इसके आउटलाइन बना रहा हूँ। इस तरह से आपको आउटलाइन बना लेनी है इसके ऊपर गाइज। अब मैं कटर की मदद से इसे अच्छी तरह से कट कर रहा हूँ गाइज। देखो किस तरह से कट कर रहा हूँ मैं। सो गाइज मैं आप जो सीट है उसकी आउटलाइन ऊपर बना रहा हूँ। देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ गाइज। पीछे वाला जो है बड़ा होगा और सामने वाले हम थोड़ा कम करेंगे हिस्सा। देखो किस तरह से कर रहा हूँ। अब मैं इसे कट कर लूँगा। सो गाइज तो ये मैंने अच्छी तरह से इसे फिनिशिंग दे दी है। कितने अच्छी तरह से दिख रहा है गाइज आप देखो। अब मैं बाकी का भी हिस्सा अच्छी तरह से बना लूंगा गाइज। देखो किस तरह से बना रहा हूँ मैं। सो गाइज ये तो हो चुका है। देखो कितने मस्त दिख रहा है अभी से ही। तो अब हम गाइज देखो फोटो में किस तरह से यहाँ कुछ निशान लग रहा है किस तरह से उसे भी हम अभी बना लेंगे। देखो किस तरह से मैं पहले पेपर के ऊपर मैं बना रहा हूँ गाइज। बाद में जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर बना रहा हूँ। अभी ये पूरा हो चुका है। तो अब हम उसके जो टायर्स है गाइज उसे भी बना लेंगे। इस तरह से मैंने 2 सेंटीमीटर का जो रेडियस लेके सर्कल बना लिया है। अब इसे भी हम कटर की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो गाइज मैंने किस तरह से अंदर का हिस्सा अभी बना लिया था आपने देखा होगा। अब मैं जो हमारे पास जो पुराने पड़े हुए जो स्केच पेन होते हैं गाइज उसके ढक्कन का यूज़ करूँगा और उसमें किससे इस तरह से कट कर लूँगा। इसे हम गाइज इस तरह से इसके अंदर डाल लेंगे जिससे इसका जो टायर है अच्छी तरह से घूम सके। देखो मैंने किस तरह से इसके अंदर डाल दिया है। इसे आपको कुछ दो बना लेने हैं पहिए इसके। तो हमारा पीछे वाला हिस्सा और टायर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम जो है गाइस सामने वाला हिस्सा बना लेते हैं अभी। तो उसके लिए गाइस मैं कुछ इस तरह का बड़ा वाला जो थर्मोकोल है उसका यूज करूंगा।
सो गाइस, तो मैं अभी उसके नीचे वाला जो बेस है उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो गाइस मैं किस तरह से इसे बना रहा हूँ। सो गाइज, तो अब हम सामने वाला भी हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। देखो गाइज मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो गाइज हमारा ये अभी कंप्लीट हो चुका है। देखो किस तरह से लग रहा है गाइज। तो अब हम गाइज जो टायर के ऊपर जो रहता है उसे अभी बना लेंगे। कुछ इस तरह से रहता है गाइज, इसे भी हम कट करके अच्छी तरह से बना लेंगे। तो मैं इसके आउटलाइन पहले बना रहा हूँ गाइस। देखो किस तरह से बना रहा हूँ। ये आउटलाइन होने के बाद मैं कटर की मदद से इसे अच्छी तरह से कट कर लूंगा। देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ गाइस। ये देखो सामने वाला भी हिस्सा भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज, तो मैं अभी अंदर का हिस्सा भी अभी कटर की मदद से कट कर रहा हूँ। ये हो गया गाइज कुछ इस तरह से कट। अब हम इसे गाइज इसके अंदर कुछ इस तरह से लगाएंगे। सो गाइज, तो अब हम जो है इसका हैंडल बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। हैंडल का मैंने आउटलाइन थर्मोकॉल के ऊपर बना लिया है। अब कटर की मदद से इसे कट कर रहा हूँ। ये हो गया गाइस कुछ इस तरह से कट, और इसे मैंने अभी फिनिशिंग भी दे दी है। अभी लगभग तो हमारा गाइस पूरा जो इसका मॉडल है कंप्लीट हो चुका है। देखो हम इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। सो गाइस, तो मैं हैंडल और टायर को दोनों को एक ही इसमें ज्वाइंट कर लूँगा। इसके लिए मैं कुछ इस तरह से फाइबर का जो है स्टिक है इसका यूज़ करूँगा। कुछ इस तरह से मैं अंदर डालूँगा गाइस। हैंडल और टायर सामने वाला जो है दोनों ज्वाइंट होगा गाइस इसे। सो गाइस, तो मेरा अभी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया है, इसी पे आप कॉल कर सकते हो। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अभी कर सकते हो गाइस, पर एंड तक इस वीडियो को देखते रहो। इस पे आप कॉल करके मुझे कुछ आपका जो क्वेश्चन है पूछ सकते हो गाइस।
सो गाइस, तो मैंने बताया था कि आपको मैं किस तरह से सभी वेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा हूँ बनाने के लिए। यह अभी ख़राब हुआ, मेरे पास स्केच पेन पड़ा हुआ था, इसका यूज़ करूँगा मैं दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। कुछ इसे इसके अंदर डालेंगे गाइस, बाद में इसे फेविक्विक की मदद से ज्वाइंट कर लेंगे। देखो गाइस, कुछ इस तरह से ये अंदर जाएगा। देखो ये घूम भी रहा है गाइस, इस तरह से अभी वर्क करा है। ये हैंडल भी घूमेगा गाइस इस तरह से दोनों। तो गाइस, अब हम नीचे वाला जो इंजन है उसे बनाएंगे। तो गाइस, तो लगभग हमारा पूरा सभी मटेरियल बन चुका है। अब मैं इसे कलर करना स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। मैं स्कूटी को ब्लू कलर से कलर करूँगा। सभी चीज़ों को गाइस एक एक करके हम कलर करेंगे। अब मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, बाकी का जो सभी बचा हुआ पार्ट है इसे भी मैं कलर कर लूँगा। ये हो गया गाइस हमारा कलर भी पूरा। देखो ये अच्छी तरह से वर्क भी कर रही है गाड़ी, और बाकी के जो छोटे छोटे पार्ट है उसे भी मैं ग्लू गन की मदद से ज्वाइन कर लूँगा। सो गाइस, तो सभी गाड़ी के लिए जो स्टील का जो सपोर्ट रहता है, कुछ पाइप का रहता है, उसे हम बनाएंगे। कुछ इसके लिए आपको कुछ वायर की ज़रूरत लगेगी गाइस, और एल्युमिनियम का जो पेपर रहता है उसकी ज़रूरत लगेगी। इसके ऊपर हम पूरी तरह से जो है एल्युमिनियम अच्छी तरह से लपेट लेंगे। फायदा ये होता है कि गाइस आपकी गाड़ी कभी नीचे गिरी तो ख़राब नहीं होती, स्क्रैचेज भी नहीं गिरते गाइस, क्योंकि ये जो स्टील वाला जो उसके ऊपर सपोर्ट रहता है उसी से कुछ गाड़ी को नहीं हो सकता है। तो वही हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखो मैंने ये बना लिया है, कुछ हम यहाँ भी लगाएंगे। ये हो गई गाइस सभी, अभी बना लिया है मैंने।
ये कुछ हमें पार्ट बना लेने हैं। बड़ा वाला पीछे वाला पीछे की तरफ आएगा और ये सामने वाले सामने की तरफ। गाइस देखो, मैं अभी ग्लू गन की मदद से अभी इसे इन्हें सभी को अच्छी तरह से जॉइंट करूँगा। तो ये हो गया गाइस, हमारे सभी मैंने बना लिया और अभी ज्वाइंट भी कर लिया है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए नए वीडियो आप देख सकेंगे गाइस। तो फिलहाल के लिए बाय बाय गाइस।